दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ऐसा टॉपिक जो पहले से ही काफी कॉमन है और आपको भी मालूम है, लेकिन फिर भी ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रैवल विद आरडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हमेशा आपके लिए इस तरह से लेटेस्ट ट्रैवल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेन में सबसे अच्छी बर्थ कौन सी होती है और आपकी सबसे अच्छी बर्थ कौन है ये मुझे आप बाद में कमेंट बताइएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, ट्रेन में अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, लोअर बर्थ और साइड अपर, साइड मिडिल बर्थ, ये पांच तरह की कॉमन बर्थ होती है। और इसके बाद मैं सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा क्योंकि सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी का यूज लोग काफ़ी कम करते हैं। तो सेकेंड एसी में मिडिल बर्थ नहीं होती और फर्स्ट एसी में सिर्फ अपर मिडिल बर्थ होती है, साइड बर्थ नहीं होती है। तो खैर मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में बात करूँगा स्लीपर क्लास के बर्थ के बारे में और थर्ड एसी की बर्थ के बारे में। तो स्लीपर क्लास और थर्ड एसी की बर्थ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एयर कंडीशनिंग का डिफरेंस है। थर्ड एसी में एयर कंडीशन होता है, स्लीपर में एयर कंडीशन नहीं होता। बाकी सीटों की जो अरेंजमेंट है, सीटों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है, बाकी सीटों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब हम IRCTC की साइट पर टिकट बुक करते हैं तो बर्थ सिलेक्शन का या सीट की पोजीशन सिलेक्शन का हमारे सामने ऑप्शन तो होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि वे बर्थ या वही बर्थ हमें मिल ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। जैसे कि हमने लोअर बर्थ सेलेक्ट कर लिया तो जरूरी नहीं कि हमें लोअर बर्थ मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ कंडीशंस में कुछ ओल्ड एज पर्सन, सीनियर सिटीजन्स या लेडीज़ को उसमें प्रेफरेंस थोड़ी सी दी जाती है। लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता क्योंकि IRCTC की जो प्रोग्रामिंग की गई है वो किसी को मालूम नहीं है, नहीं जब तक फाइनली टिकट बुक नहीं हो जाता तब तक ये पता नहीं चल पाता कि टिकट कि कौन सी बर्थ हमें अलॉट हुई है, कौन सा बर्थ हमें मिला है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन में या स्लीपर या थर्ड एसी में पांच तरह की बर्थ होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा अपर बर्थ के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेन के एक केबिन में दो अपर बर्थ होते हैं और साइड में भी एक अपर बर्थ होता है, लेकिन साइड वाली अपर बर्थ के बारे में बाद में बात करूंगा, सबसे पहले मैं नॉर्मल अपर बर्थ के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों अपर बर्थ किन्हें पसंद होता है, तो जैसे कि आप समझते होंगे अपर बर्थ बूढ़े लोगों को या फिर लेडीज़ जिसके अगर छोटे बच्चे हैं तो अपर बर्थ उनके लिए सुटेबल नहीं होता, क्योंकि अपर बर्थ के लिए एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो बार बार ऊपर चढ़ना कमज़ोर हेल्थ वाले लोगों के लिए सुटेबल नहीं है, फिर जनरली बूढ़े लोगों के लिए उतना सुटेबल नहीं होता। तो अपर बर्थ वे पसंद नहीं करते, वे लोअर बर्थ लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अपर बर्थ का फ़ायदा आखिर क्या है, अगर आप यंग एंड एनर्जेटिक हैं तो अपर बर्थ चढ़ने में तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अपर बर्थ का एक फ़ायदा ये होता है कि लगेज अगर आप ऊपर रखते हैं तो आपका लगेज काफ़ी सुरक्षित भी रहता है और नीचे रखने पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ट्रेन में भी चोरियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो अपर बर्थ का फ़ायदा ये होता है कि आपका लगेज काफ़ी सेफ रहता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अपर बर्थ में आपकी प्राइवेसी भी काफ़ी रहती है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता, क्योंकि ट्रेन में देखते होंगे भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, हमेशा कोई ना कोई आना जाना करता रहता है और कोई कभी कोई झालमुड़ी बेचने वाला आ गया, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कभी कोई कुछ कभी कुछ, तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो अगर आप अपर बर्थ में रहते हैं तो आपकी प्राइवेसी कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आपकी प्राइवेसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता और आप मज़े से अकेले पड़े रहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको लेटने की आदत है, अगर आपको सोना पसंद करते हैं तो आप अपर बर्थ ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है तो जाहिर है कि आप तो सोएंगे ही, अगर आप दिन में भी सोना चाहते हैं तो आप अपर बर्थ ले सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे के मिडिल बर्थ या लोअर बर्थ लेंगे तो हो सकता है कि आपको दिन में सोने का मौका ना मिले, लेकिन अगर अपर बर्थ आपके पास है तो आप बेहिचक 24 घंटे कभी भी सो सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। अपर बर्थ के बाद मैं बात करना चाहूँगा मिडिल बर्थ यानी बीच वाली सीट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि फ्लाइट में भी मिडिल सीट कोई पसंद नहीं करना चाहता, मिडिल सीट को कोई पसंद नहीं करता, उसी तरह की हालत जो है ट्रेनों में भी है। मिडिल बर्थ बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं या बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपने शायद ही कभी सुना होगा कि किसी को मिडिल बर्थ पसंद भी आता होगा। कारण यह है कि मिडिल बर्थ को आप दिन में यूज नहीं कर सकते, दिन में आप सो नहीं सकते, क्योंकि रेलवे में ये नियम है कि आपको अगर सोना है तो आप रात को 9 बजे के बाद ही सो सकते हैं। हो सकता है बहुत ही कम लोगों को ये नियम पता होगा, लेकिन ये नियम है। आप ट्रेन में रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच ही सो सकते हैं, और अगर आपकी मिडिल बर्थ है तो सुबह 6 बजे के बाद आपको उठाना पड़ेगा, मिडिल बर्थ को डाउन करना पड़ेगा ताकि बाकी लोग लोअर बर्थ पे बैठ सकें। तो दोस्तों मिडिल बर्थ की ये सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ी खराबी कह सकते हैं, लेकिन मिडिल बर्थ की अच्छाई ये है कि जब मिडिल बर्थ पे सोते हैं रात को तो खिड़की का जो लेवल होता है वो आपके लेवल के पैरेलल में होता है, और खिड़की से भी आप हवा, खिड़की से अगर आप हवा लेना चाहते हैं तो खिड़की बाहर का नेचुरल हवा जो है आपको लगातार रात भर मिलती रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक और दिक्कत ये होता है कि मिडिल बर्थ में आपको सामान रखने की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि मिडिल बर्थ में आपको नीचे लोअर बर्थ वाले पे ही भरोसा करना पड़ता है, या फिर सबसे अपर बर्थ अगर खाली है तो अपर बर्थ में भी आप सामान रख सकते हैं, क्योंकि मिडिल बर्थ का अपना कोई स्पेस वहाँ पर
होता नहीं है, तो आप रात को सोते समय ही सिर्फ लगेज रख सकते हैं। दिन में आपको लगेज रखने के लिए या तो आप ऊपर वाले बर्थ का सहारा लेना पड़ेगा या फिर लोअर बर्थ का सहारा लेना पड़ेगा। तो मिडिल बर्थ में कुछ लिमिटेशंस है और फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मिडिल बर्थ बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं। अब मैं बात करूँगा लोअर बर्थ के बारे में। तो लोअर बर्थ जनरली बूढ़े लोग या ओल्ड एज वाले होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, या फिर लेडीज़ जिनके छोटे बच्चे अगर हैं तो उन्हें लोअर बर्थ पसंद आता है। लेकिन दोस्तों लोअर बर्थ का भी एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि दिन में अगर आप उस पर लेटना चाहें तो, क्योंकि बाकी लोग भी लोअर बर्थ पे बैठेंगे, मिडिल बर्थ वाला लोअर बर्थ पे बैठेगा या फिर हो सकता है कि अपर बर्थ वाला भी लोअर बर्थ पे कुछ देर बैठना चाहे, तो दिन में आप जो है जनरली लोअर बर्थ पे लेट नहीं पाएंगे। और इसमें भी आपको वही रूल फॉलो करना होगा, सुबह 6 से रात 9 बजे के बीच आपको बैठना पड़ सकता है, रात 9 बजे के बाद ही आप सो सकते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं है पैसेंजर, अगर सीटें खाली हैं तो आप दिन में भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल बर्थ वाला या लोअर बर्थ वाला अगर ये कहे कि मुझे नीचे बैठना है तो आपको उसे बैठने देना ही पड़ेगा। तो लोअर बर्थ में डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग आना जाना करते रहते हैं और नीचे लगेज आपका रहता है तो वो भी काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि ट्रेनों में चोरियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जैसा मैंने बताया पहले कि अपर बर्थ में प्राइवेसी ज़्यादा होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, तो लोअर बर्थ में ठीक उसका उल्टा होता है। आपको चढ़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लोअर बर्थ में तो आप डायरेक्ट बैठ जाते हैं, लेकिन आपके सामान की सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है लगभग खत्म हो जाती है, बहुत या फिर बहुत कम हो जाती है, तो आपको काफ़ी सामान का ध्यान रखना पड़ता है। और इस वीडियो के अंत में मैं बात करूंगा साइड अपर और साइड लोअर बर्थ के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये दोनों बर्थ थोड़े अलग हट के होते हैं और बाकी के 6 बर्थ से इनकी थोड़ी सी दूरी होती है, क्योंकि बीच में लोगों के आने जाने का रास्ता होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा साइड अपर बर्थ के बारे में। तो साइड अपर बर्थ में भी प्राइवेसी की कोई दिक्कत नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपर बर्थ में प्राइवेसी की कोई दिक्कत नहीं होती है, आपकी डिस्टर्बेंस काफ़ी कम होती है, आप आराम से लेट कर कुछ भी काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, मोबाइल या लैपटॉप पर भी काम कर सकते हैं, लगेज रखने की भी कोई परेशानी नहीं होती, लगेज आप ऊपर में रख सकते हैं, आपको लगेज को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, चोरी की भी चांसेस काफ़ी कम रहती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत जो साइड बर्थ में आती है वो होती है कि उनकी लंबाई कम होती है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आप 6 फुट से ज़्यादा लंबे हैं, तो आपको रात में सोने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, टांगों को मोड़ कर थोड़ा सा सोना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी आप अगल बगल किसी लंबे बर्थ वाले व्यक्ति से अपनी सीट जो है एक्सचेंज करा सकते हैं, और ट्रेनों में सीट एक्सचेंज होना काफ़ी आम बात है, क्योंकि कोई भी अगर अच्छा आदमी होगा तो ज़रूर आपसे सीट एक्सचेंज कर लेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपर बर्थ मिलती है तो आप दिन में लोअर बर्थ पर भी बैठ सकते हैं, अगर आपको खिड़की का मज़ा लेना है तो आप लोअर बर्थ पर बैठ सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि सुबह 6 से लेकर रात को 9 बजे के बीच आप नीचे के लोअर बर्थ में बैठ सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन रात को 9 बजे के बाद आपको अपने बर्थ पे वापस जाना पड़ सकता है। और अब नंबर आता है साइड लोअर बर्थ का। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर बच्चे बूढ़े या महिलाएं हैं तो उनके लिए लोअर बर्थ सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपको साइड लोअर बर्थ मिलता है तो इसमें थोड़ी सी प्राइवेसी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि लोग हमेशा आना जाना करते रहते हैं, ट्रेनों में दिन भर कोई ना कोई आना जाना करता रहता है, कभी कुछ बेचने आ जाता है, कभी कोई कुछ कभी कुछ, तो दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है, लोग आना जाना करते रहते हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो होती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको साइड लोअर बर्थ मिलता है तो खिड़की का आपको पूरा मजा मिलता है, क्योंकि साइड में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, तो दो लोग भी आराम से टांगे पसार कर बैठ सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। जबकि आपको साइड वाले अगर मेन लोअर बर्थ मिलता है तो वहां पर खिड़की का मजा उतना अच्छा नहीं मिलता, जितना अच्छा आपको साइड लोअर बर्थ में आपको जितना अच्छा नज़ारे देखने को मिलते हैं वो आपको मेन लोअर बर्थ में आपको उतना अच्छा नज़ारा देखने नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों वही बात है कि लंबे लोगों के लिए साइड लोअर बर्थ में या साइड अपर बर्थ में थोड़ी दिक्कत होती है सोने की, और लगेज की ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लगेज नीचे में क्योंकि एक ही बर्थ होती है तो नीचे में लगेज दो लोगों का लगेज तो आ ही जाता है, और लेकिन थोड़ी सी रिस्क होती है क्योंकि साइड में होने के कारण चोरी की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, तो लगेज का भी आपको खास ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों आप बताइए कि आपकी सबसे अच्छी बर्थ कौन सी, आपका सबसे फेवरेट बर्थ कौन सा है ट्रेन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह के नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तो गुड बाय, आपका दिन बहुत ही शुभ हो।